Hello all, today's lecture is introduction to object-oriented programming. Object-oriented programming के बारे में हम जानेंगे. Object-oriented programming software development या code development के लिए वो strategy है, वो methodology है, जिसमें कि हम object को एक base और core entity की तरह treat करते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि object क्या होता है. Object is anything in this real world which can be identified on the basis of its properties and behavior. वो सारी चीजें जिसे हम उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर के बेस पर पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. जैसे हम ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन ये ऑब्जेक्ट है. इस तरीके से वो सारी चीजें जिन्हें हम पहचान सके उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बेस पर, वो ऑब्जेक्ट. अब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दो चीजें आपको हमेशा मिलेगी, जिसे हम ऑब्जेक्ट बंडल भी कहते हैं. ऑब्जेक्ट में हर ऑब्जेक्ट का अपना एक डेटा होगा और साथ में उस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे. सो इन रियल लाइफ ईच ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग इट्स ओन डेटा एंड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा सम फंक्शंस विल बी डिफाइंड. तो फिर इसे हम यदि थ्योरेटिकली मैप करें तो हम ये कहेंगे कि हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेस पर हम उसे पहचानते हैं, और साथ में उस ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर होगा. जैसे कि हमने कहा, हर ऑब्जेक्ट को आप उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बेस पर पहचान सकते हैं. उन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए हम यहां पर डेटा या डेटा मेंबर वर्ड यूज करेंगे, और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस यूज करेंगे. मेंबर, सो ईच ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. दिस इज अ बंडल एंड दिस विल बी टर्म्ड एज द ऑब्जेक्ट. सो यहां हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और मेंबर फंक्शन एनकैप्सुलेटेड होते हैं, एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, और ये मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं. किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें इन्हीं टाइप के या उस सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं. उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, जिसे हम मैसेज पासिंग कहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम बात करेंगे, और हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. आगे यदि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिन्हें हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेज पासिंग. इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. जब भी हम क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने लिस्टिंग की है, उन सभी को हमें इंप्लीमेंट करना होता है, या वो इंप्लीमेंट होती है. सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स मॉड्युलैरिटी, कोड रियूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी. इन समरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म और मैथडोलॉजी दैट यूजेज ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड प्रिंसिपल्स लाइक एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन टू डिजाइन एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि जावा, C++, पाइथन, C#. इसमें से C++ हम आगे के टॉपिक्स में, आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. थैंक यू.